हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जालना के शीश तिगड़ी पे। यहाँ पे एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका नाम है मलिक अंबर। तो इस मस्जिद का निर्माण मलिक अंबर ने करवाया था। इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नया किया गया है। जो इसका पुराना कंस्ट्रक्शन था उसके फ़ोटोज़ यहाँ पर है। हमारे साथ है सैयद रहीम साहब, भी हमें पूरी मस्जिद बताएंगे और इसके पुराने फ़ोटोज़ भी बताएंगे। तो इसका लगभग सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये नया किया गया है। ये है मस्जिद मलिक अंबर शीश तिगड़ी पर। ये जो सीढ़ीज है ये पुराने सीढ़ी है, पत्थर में बनाए हुए। सिर्फ इतना ही इसका पुराना कंस्ट्रक्शन रहा हुआ है, बाकी सारी मस्जिद नई बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हैं मलिक अंबर मस्जिद में, जो कि जालना के शीश तिगड़ी में है। इस मस्जिद का नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी जो पुराना कंस्ट्रक्शन था उसे छोड़कर इसकी जगह नई मस्जिद तामीर की गई। लेकिन हमारे साथ है सैयद रहीम साहब, इन्होंने हमें मस्जिद के अंदर लाया है। यहाँ पे इस मलिक अंबर मस्जिद के जो पुराने फोटोज मिले थे हम उसे देखेंगे। तो मस्जिद मलिक अंबर कुछ इस तरह थी पुरानी। ये एक टेकड़ी के ऊपर है, शीश टेकड़ी के ऊपर, और इस टेकड़ी के ऊपर से सारा जालना दिखता था। इसके और कुछ फोटोग्राफ है यहाँ पर। जब इसे तामीर किया जा रहा था तो ये पुराना कंस्ट्रक्शन। मस्जिद जो है ये पूरे पत्थर के अंदर बनी हुई है। दोस्तों, ये मस्जिद तकरीबन 400 साल पुरानी है। इसका तामीर इस मस्जिद का निर्माण निज़ाम शाह सल्तनत के वज़ीर आलम मलिक अंबर ने किया था। पूरी पत्थर में बनी हुई थी ये मस्जिद, बट इसे इसका रिनोवेशन किया गया है। इसका पुराने कंस्ट्रक्शन की जगह पूरी नई मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है। कुछ इस तरह तामीर किया गया इस मस्जिद को। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मलिक अंबर मस्जिद के ऊपर। यहाँ से लगभग पुराने जालने का सारा नज़ारा दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हैं